महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की बीती रात मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स की माने तो जब बाबा सिद्दीकी जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर खड़ी थी तब उन पर गोली मारकर हत्या की गई। हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जो उनके सीने पर लगी। इस घटना के बाद उन्हें आनन फानन में लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर मिलते ही सलमान खान, संजय दत्त समेत कई बॉलीवुड सितारे हॉस्पिटल पहुंचे और परिवार को हिम्मत जुटाने की बात कही और जांच के दौरान बार बार लॉरेंस विश्नोई गैंग का नाम सामने आया। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लॉरेंस विश्नोई गैंग जो है वो शक के घेरे में आ चुकी है। सूत्रों की माने तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस विश्नोई पर भी घूम चुकी है। अभी तक एजेंसियों की कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन आपको बता दें कि लॉरेंस विश्नोई पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं लॉरेंस विश्नोई ने ही तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया। गौरतलब है कि लॉरेंस विश्नोई कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुके, यहाँ तक कि वो सलमान के पिता सलीम खान को भी मौत की धमकियां दे चुका है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड से खास कनेक्शन है। वो शाहरुख खान और सलमान खान के समेत कई फिल्मी सितारों के साथ काफी क्लोज है, काफी अच्छे दोस्त है। बाबा सिद्दीकी जब भी ईद की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं बॉलीवुड से लेकर के तमाम सीरियल के स्टार्स हो गए और कई सारे बड़े बड़े सितारे भी उनकी पार्टी में शिरकत लेते हैं। अब ऐसे में बाबा सिद्दीकी की मौत से बॉलीवुड काफी ज्यादा सदमे में है और सुई जो है वो लॉरेंस विश्नोई गैंग पर ही अटकती नजर आ रही। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या बाबा सिद्दीकी की मौत का जिम्मेदार लॉरेंस विश्नोई गैंग है या फिर कोई और? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।